भारत हर गुजरते दिन कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए भारतीय जबरो इस्तबदाद नई बात नहीं। मकबूजा वादी का चप्पा चप्पा कश्मीरियों के खून से रंगीन है। हजारों कश्मीरी इस तहरीक में अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, लेकिन ये जज्बा आज़ादी है कि किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा। हर शहीद होने वाले कश्मीरी का खून आज़ादी की इस तहरीक में नया रंग भरता और ईंधन का काम करते हुए जज्बे हुर्रियत को मजीद हवा देता है। भारतीय जुल्म जबर में जितनी तेजी आती जा रही है, कश्मीरियों का जज्बे हुर्रियत उतना ही ताकतवर होता जा रहा है। भारतीय अफवाज ने कश्मीरियों की तहरीक को दबाने के लिए जुल्म जबर के हथकंडों में पैलेट गन का इजाफा करके और सैकड़ों कश्मीरियों को उसका निशाना बनाकर भी देख लिया, मगर कश्मीरी है कि पीछे हटने को तैयार नहीं। भारतीय फौज सर्च ऑपरेशन के नाम पर घरों में घुसकर बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद करती और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने और अपने जुल्म पर पर्दा डालने के लिए इन मासूम और बेगुनाह कश्मीरियों को इंतहा पसंद अनासिर गर्दानता है। भारतीय अफवाज की फायरिंग से शहीद होने वालों के जनाजों में लाखों कश्मीरी उमड़ आते हैं। इधर किसी शहीद की नई कब्र में इजाफा होता है तो उधर कश्मीरी फिर सीना तान कर भारतीय फौज के सामने आजादी के नारे लगाते आ खड़े होते हैं। अब आजादी की इस तहरीक में नौजवानों के साथ साथ खवातीन और लड़कियां भी शामिल हो चुकी हैं और पूरी दुनिया को पुकार पुकार कर ये कह रही हैं कि उन्हें भारत के जुल्म सितम से निजात दिलाकर आज़ादी की नेमत से हमकिनार किया जाए। लेकिन अक्वामे मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी ताकतें इस जुल्म पर खामोश तमाशाई का रिवायती किरदार अदा कर रही हैं। भारत का ख्याल है कि वो अपने जालिमाना हथकंडों के जरिए कश्मीर को अपना हिस्सा बनाए रखने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन एक तवील अरसे से जारी कश्मीरियों की तहरीक ये ऐलान कर रही है कि वो किसी भी सूरत भारतीय गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। याद रहे कि कश्मीरी पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर तौर पर मनाते हैं और पूरी वादी में सब्ज हिलाली परचम लहराकर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत और दिली वाबस्तगी का इजहार करते हैं, जबकि भारतीय यौम आज़ादी और यौम जम्हूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाकर भारत से अपनी नफरत को वाजे करते हैं। हमालिया की गोद में माजी की जन्नत नजीर कहलाने वाली ये बदनसीब सरजमीन कई अशरों से आगो आहन, तबाही और बर्बादी, खूने नाहक, हकूके इंसानी की बदतरीन खिलाफ वर्जियों, लुटी असमतों, उजड़ी बस्तियों, खजा रसीदा सब्जारों, खंडरात में तब्दील हुई शानदार इमारतों और बेबस अवाम का मस्कन बन चुकी है। यहाँ बुलंद चोटियों से दिल मोह लेने वाले चश्मे अब लहू उबल रहे हैं। यहाँ की मीठी खुशबू में बारूद की जहरीली मिलावट शामिल हो चुकी है। हर घर और हर फर्द फरियाद करता हुआ नजर आता है। हर गुजरता दिन और हर नई शहादत कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी में एक नई रूह फूंक रही है, जबकि हर तरम भारतीय हुकूमत कश्मीरियों के हक आज़ादी को तस्लीम करने से इनकारी है और ताकत और जुल्म की बिना पर निहत्ते मासूम कश्मीरियों पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहती है।